उसके बाद फर्दर कंटिन्यू करते हैं छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज 2019 के क्वेश्चन पेपर को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन 50 तक कवर कर लिया था, अब आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन 51 से। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में कल्टीवेट पर्सनली का क्या मीनिंग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, बाय वन्स ओन लेबर, कि अपने लेबर से कुछ कल्टीवेट किया गया है तो उसे ही हम कल्टीवेट पर्सनली कहेंगे छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक विटनेस जिसे समन इशू किया गया और वो उस समन को कंप्लाई विद नहीं करता है, तो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू के अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट अब कोर्ट क्या क्या कर सकती है? तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन फोर है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि कोर्ट उसके अगेंस्ट बेलेबल एंड अरेस्ट वारंट निकाल सकती है, उसे सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए कह सकती है कि वो हर डेट पर कोर्ट के सामने आएगा और उस पर फाइन इम्पोज कर सकती है जो कि ₹1,000 से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ देखा जाएगा कि ये लैंड किस किस पर्पस के लिए यूज़ होती है? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, जिसमें देखा जाएगा कि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है या फिर कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 118 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड किस बात से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, ऑब्लिगेशन टू फर्निश इन्फॉर्मेशन एज टू टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में गवर्नमेंट टाइटल टू मिनरल्स किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री, सेक्शन 247। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 5 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, मींस अपील रिवीजन और रिव्यू से रिलेटेड है चैप्टर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन कराना या ना कराना ऑप्शनल है, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के किस सेक्शन में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, सेक्शन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट जो कि इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट किया गया है तो वो कितने टाइम में रजिस्टर होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा जब भी वो डॉक्यूमेंट के साथ वो पर्सन इंडिया में आएगा, तो जिस दिन वो अराइव हुआ उससे विदिन 4 मंथ्स में उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 32 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एक डॉक्यूमेंट को अगर रजिस्टर कराना है तो उसे कौन प्रेजेंट करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई भी, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है जिसने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, या फिर ऑप्शन 2 है कोई एग्जीक्यूटर है उसका रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड है जो एग्जीक्यूटर है उसका ऑथराइज्ड एजेंट। तो इनमें से कोई भी उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में टर्म नेगोशिएशन का क्या मतलब है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, नेगोशिएशन का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफ़र करना, प्रोमिसरी नोट या फिर चेक को ट्रांसफ़र करना किसी और पर्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग किसी पेमेंट की प्रेजेंटमेंट किस टाइम पर होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो भी पेमेंट की प्रेजेंटमेंट है वो ड्यूरिंग यूजुअल, जो बिजनेस के यूजुअल आवर्स होंगे उस टाइम पर होना चाहिए, और अगर ये बैंक है तो जो बैंकिंग के आवर्स हैं वर्किंग आवर्स उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ऑफेंडर है अगर 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, तो उसे कितने टर्म तक की इंप्रिजमेंट हो सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 साल तक की इंप्रिजमेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एट साइट का क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, एट साइट का मतलब होता है ऑन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चेक का डिसऑनर होना इस वजह से कि फंड्स इनसफिशिएंट थे अकाउंट में, ये इनमें से किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का सेक्शन 13 किस बात से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर एल सेक्टर ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, ये रिलेटेड है सेक्शन 13 ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में अनलॉफुल एक्ट की पेनल्टी कहाँ पर डिफाइन की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, सेक्शन 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग इनमें से किस आर्टिकल के ऊपर ड्यूटी जो है वो इम्पोज की जाएगी?
तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई चीज़ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करी है तो इन सभी चीज़ों पे ड्यूटी इम्पोज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लिकर इंटॉक्सिकेशन ड्रग टू पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, सेक्शन 23 ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में लिमिट ऑफ क्वांटिटी फॉर पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सेक्शन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 21 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किस बात से डील करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, पावर टू अवार्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट कितने उम्र तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑप्शन रिलेटेड नहीं है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर से जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 जो कि डील करता है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस की पेमेंट करना। तो ये ऑप्शन रिलेटेड नहीं है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर से। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबल एरियाज असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जो स्टेट हैं ट्राइबल एरियाज उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजन किस शेड्यूल में दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव, ना तो थर्ड शेड्यूल में है ना 8 में है और ना ही 5th शेड्यूल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आर्टिकल में स्टेट की डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है कि स्टेट में गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट और लोकल अथॉरिटीज इन टेरिटरी ऑफ इंडिया ये सभी इंक्लूड होते हैं। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, आर्टिकल 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किन कंटिनजेंसीज पर आर्टिकल 31A क्लोज 1 अप्लाई होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन डील करता है एक्विजिशन ऑफ एन एस्टेट, एक्सटिंगमेंट ऑफ राइट इन एन एस्टेट, मॉडिफिकेशन ऑफ राइट इन एन एस्टेट। तो ये तीनों इंक्लूड होते हैं आर्टिकल 31A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजिडेंट को रिमूव करने के लिए इनमें से कौन सा ग्राउंड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करी है कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ने तो उन्हें इम्पीच किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उनकी पोस्ट से अगर काउंसिल ऑफ स्टेट की मेंबर की कितनी रेजोल्यूशन हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, बाय एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर एंड एग्रीड बाय हाउस ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसे देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट की रिटायरमेंट की मैक्सिमम एज कितनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, कोई एज प्रोवाइड नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव, मतलब स्टैंडिंग टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीए का सेक्शन 6 किस चीज़ से रिलेट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, क्या चीज़ आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 17 ऑफ टीपीए में लॉन्गर पीरियड इन मैटर ऑफ एक्यूमुलेशन, तो इसमें जो लॉन्गर पीरियड है उसका क्या मतलब है, उसमें कितनी एज इंक्लूड होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीए में जब दो या दो से ज़्यादा लोग म्यूचुअली ट्रांसफ़र करते हैं ओनरशिप की, एक ओनरशिप को दूसरे ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं और इस बीच में कोई मनी की ट्रांजेक्शन नहीं होती है, तो इस ट्रांसफ़र को आप क्या कहेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो टीपीए में दिया गया है उसके अंदर अगर एक पर्सन किसी एक इंस्ट्रूमेंट पे बेनिफिट लेगा तो वो उस इंस्ट्रूमेंट के जितने बर्डन हैं उनको भी बियर करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, मस्ट बियर द बर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन एक्ट में टाइम रिक्विजिट का क्या मीनिंग है। तो इसका आंसर होगा एक्चुअल टाइम टेकन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन एक्ट में लीगल डिसेबिलिटीज़ किस केस में अप्लाई होती है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी लीगल डिसेबिलिटी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट किस पर अप्लाई नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, जहां पे सूट कोर्ट ने डिसमिस किया है ऑन मैरिट्स, तो उस पर सेक्शन 14 अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटेशन एक्ट में एप्लीकेंट में कौन कौन पर्सन इंक्लूड होंगे? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब एक पिटिशनर और एक ऐसा पर्सन जिसने या जिसके द्वारा एप्लीकेशन फाइल की गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कोई ऐसा पर्सन जो कि रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेंट को, क्योंकि वो उसका एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये तीनों लोग ही एप्लीकेंट माने जाएंगे लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट किस बात से डील करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लीगल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट किस बात से डील करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, टेनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल किस सेक्शन में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पावर और फंक्शन में कौन सी पावर और फंक्शन नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, मींस बी एंड सी, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर और फंक्शनिंग एज एपिलेट अथॉरिटी। ये दोनों रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के फंक्शंस और पावर्स नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट कंट्रोलर किसी ऑर्डर को किस तरह से एग्जीक्यूट करवा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव, कैसे कैसे, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन कहते हैं अटैचमेंट या सेल करा के इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी की, सेकंड ऑप्शन कहते हैं अरेस्ट या डिटेंशन करवाकर, और थर्ड ये कहते हैं उसके बैंक अकाउंट्स को अटैच करवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 12 और छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट किस बात से डील करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग पजेशन के लिए कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि पजेशन प्राइमर फेसे प्रूफ है किसी प्रॉपर्टी का, पजेशन गुड टाइटल है और सभी लोगों के अगेंस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है, पजेशन अपने आप कॉन्स्टिट्यूट होता है जो कि लिमिटेड टाइटल है एक प्रॉपर्टी का। तो ये सभी इसके आंसर होंगे, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे लीज या एग्रीमेंट हुआ है प्रॉपर्टी को बेचने का और एक पार्ट पेमेंट रिसीव कर ली गई है, तो अब क्या रेमेडी अवेलेबल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में शेड्यूल 1 किस बात से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, मींस टेनेंट्स राइट्स अवेलेबल अंडर द एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ए एंड बी बोथ, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो अपने नेचर में ही डिटर्मिनेबल है उसे आप स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा सकते, और सेकंड ऑप्शन है एक कॉन्ट्रैक्ट अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उसे कंपनसेशन जो है उसका एडिक्वेट रिलीफ होगा। तो इन दोनों केस में ही कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक कॉन्ट्रैक्ट की एक पोर्शन के फेवर में कब नहीं कराई जा सकती? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब एक पोर्शन जो एंटाइटल नहीं है कंपनसेशन को रिकवर करने के लिए, सेकंड एक पोर्सन जो इनकेपेबल हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, और थर्ड ये कहते हैं एक पोर्सन जो फेल हुआ है अपने पार्ट को प्रूव करने के लिए। तो ये सभी पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। ये था हमारा इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।